दिल थाम करके बैठी है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक LG का नॉन इन्वर्टर AC है और उसका हम पंप डाउन करने वाले हैं, जिसमें रेफ्रिजरेंट R22 है। पंप डाउन करेंगे, गैस को स्टोर करेंगे आउटडोर में और उसे अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करके नया AC उसकी जगह पर लगाने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। कैसे पंप डाउन करना है एक एक मैं प्रैक्टिकल करके बताया हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितने भी मैं यूजफुल वीडियो लेकर के आऊँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए प्रैक्टिकल हम सीखते हैं कि पंप डाउन कैसे करना है और स्प्लिट AC को अनइंस्टॉल कैसे करना है। ये हमारे पास है LG का 1.5 टन का स्प्लिट AC। इसका गैस हम पंप डाउन करने वाले हैं। इसको देखिए, इसका प्रोसेस क्या है पंप डाउन करने का। इंडोर को हमने चला दिया है और 18 पे इसका टेम्परेचर रखा है, ताकि कंप्रेसर चल सके ऊपर, क्योंकि कंप्रेसर चलेगा तभी इसका पंप डाउन हम कर पाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं आउटडोर के पास, वहाँ पर चल करके भी इसका पंप डाउन करते हैं, गैस को स्टोर करते हैं आउटडोर में। उसके बाद इसे AC को बंद करेंगे, फिर इसे हम अनइंस्टॉल करने वाले हैं। पूरा प्रोसेस देखिए, इसको अनइंस्टॉल कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कवर यहाँ से हम हटाएंगे, ये हट चुका है। ये हमारा सक्शन पाइप है, चिल्ड है और ये डिस्चार्ज लाइन है। दोनों का वाल हमें खोल लेना है इस तरह से। ये दोनों का वाल हमने खोल दिया, वाल का जो ये डेड नट है, डेड नट हमने खोल दिया। अब इसे हमें क्या करना है, LG की मदद से इसे हमें सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन बंद करना है। कैसे करना है इसको देखिए, सेम साइज का LG हमें लगा लेना है, देख लेना है, उसके बाद इसे बंद करना है। ये हमारे पास सेम साइज का LG लगा दिया हमने। अब इसे थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि एक बंद करने के बाद दूसरा बंद करने में टाइम लग जाए, इसलिए पहले ढीला कर लेना है दोनों को। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि पहले डिस्चार्ज लाइन, ये है ना डिस्चार्ज लाइन, पहले डिस्चार्ज लाइन का LG वाल इसे बंद करना है। उसके बाद एक फेंकना, डिस्चार्ज लाइन ये फेंकना बंद कर देगा, ठीक, ये फेंकना बंद कर देगा। उसके बाद सक्शन लाइन जितना रेफ्रिजरेंट है वो खींच लेगा पूरा आउटडोर में। उसके बाद क्या करेंगे कि आओ ये सक्शन लाइन का LK वाल इसे भी तुरंत हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद AC तुरंत हमें बंद कर देना है, इस तरह से करना है। अब देखिए पहले डिस्चार्ज लाइन हम बंद करते हैं और उसके साथ ही AC बंद करना है तुरंत, ये समझ लीजिए कि इस तरह से पंप डाउन होता है। अब AC बंद करने का भी तैयारी मैं कर लेता हूँ। फोन लगाना उसको, जब मैं बोलेगा तुरंत वो बंद करना है AC, ठीक है। आए नहीं नहीं अभी नहीं जाके बंद करना है, नहीं तुरंत मैं बोलूँगा तुरंत बंद करना है AC, उसी फ़ोन लगा के रखो उसके पास। हाँ कहाँ है, है? तो मेन सप्लाई निकाल दूँ क्या, यहाँ से जाना पड़ेगा। कितनी देर में पहुँच के बंद कर दोगे, एक मिनट में, एक मिनट नहीं 30 सेकंड में बंद कर दोगे। अब यहाँ पर हम डिस्चार्ज इसे बंद करते हैं, डिस्चार्ज वाल जो LK है इसे, इस नट को हम टाइट करते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेंट फेंकना बंद कर देगा। ये जाओ 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 बंद करो, ये हमने बंद कर दिया। अभी सक्शन क्या करेगा, सक्शन ये खींच लेगा, सक्शन खींच लिया। अभी इसे हम तुरंत बंद कर देते हैं सक्शन को भी, क्योंकि वो AC बंद करने गया है ना, AC बंद, कंप्रेसर बंद होते ही तुरंत हम बंद कर देंगे सक्शन को। ये खींच लिया पूरा रेफ्रिजरेंट, अभी हम सक्शन को बंद करेंगे जब AC बंद होगा तुरंत। ये सक्शन को भी हमें बंद कर देना है, क्योंकि AC बंद हो गया, थोड़ा सा टाइम ले लिया, रेफ्रिजरेंट तो निकल गया होगा थोड़ा सा।
लेकिन कोई ना, रेफ्रिजरेटर थोड़ा सा निकल गया होगा क्योंकि हमारे पास सपोर्ट नहीं था ना तुरंत बंद करने का एसी। अब यहाँ से आदमी गया है, उसके बाद बंद किया है तुरंत। ये हमने सक्शन और डिस्चार्ज दोनों वाल को हमने बंद कर दिया है। अब देखिए पूरा प्रोसेस क्या है इसका। पहले हमने डिस्चार्ज वाल को बंद, एलकी को ये जो यहाँ से ना वाल को बंद किया डिस्चार्ज ये लिक्विड लाइन का। अब यहाँ से क्या हुआ कि लिक्विड लाइन पूरा रेफ्रिजरेंट फेंक दिया यहाँ से, फेंकना बंद कर दिया। फेंकना बंद कर दिया तो क्या हुआ कि पूरे इंडोर में जितना रेफ्रिजरेंट है वो इस सक्शन के रास्ते से, मोटा लाइन, ये मोटा पाइप सक्शन लाइन होता है, इसके रास्ते से पूरा रेफ्रिजरेंट खींच लिया वापस। यहाँ से खींच लिया पूरा रेफ्रिजरेंट, अब खींच करके वापस पूरे आउटडोर के सिस्टम में स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से, तो पहले खुला हुआ था ये, बंद था पहले डिस्चार्ज लिक्विड लाइन वाला वाल पहले से बंद था, अभी हमने नहीं बंद किया था तब तक जब तक कि कंप्रेसर चल रहा है क्योंकि खींच रहा था ये। अब पूरा खींच करके आउटडोर में कर दिया, उसके बाद हमने तुरंत एसी को बंद किया, उसके बाद इस वाल को हमने बंद कर दिया जो सक्शन लाइन का है, इसे बंद किया तो पूरा स्टोर हो गया इसके अंदर। अब यहाँ से हम जो है ये डेड नट जो, ये जो सॉरी जो फ्लेयर नट है डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन का दोनों, इसे हम खोल देते हैं। खोल करके फिर से इसे हम अनइंस्टॉल करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये एसी यहाँ से निकालना है और दूसरा एसी यहाँ पर लगाना है, नया एसी। यहाँ से हमने बंद कर दिया, अब इसे हम खोलेंगे फ्लेयर नट को। ए स्वागत भाई, ओ जाओ ना एमसीबी जो है नीचे का दो एमसीबी बंद कर दो, एमसीबी जो उधर दिखा रहा था ना कपिल। अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ अभी। यहाँ से खोल देंगे, थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट होगा तो होगा, ये देखिए नहीं है रेफ्रिजरेंट, पूरा स्टोर हो गया है आउटडोर में। डिस्चार्ज लाइन हमने खोल दिया, अब सक्शन लाइन को भी हम खोल देते हैं यहाँ से। ये फ्लेयर नट हमारा सक्शन लाइन का है, इसे हमने खोल दिया। देखिए पूरा एक भी रेफ्रिजरेंट इसके अंदर नहीं है क्योंकि पूरा रेफ्रिजरेंट आउटडोर में स्टोर हो गया है। ये डेड नट हमारा जो है इसे हम टाइट कर देते हैं क्योंकि ये पुराना एसी है, कहीं ना कहीं तो इसे इंस्टॉल करना है। ये हो गया, ये हो गया। अभी इसका यहाँ से लाइन हम हटाएंगे लेकिन पहले एमसीबी बंद करेंगे क्योंकि यहाँ पर हो सकता है करंट होगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए यहाँ से पहले एमसीबी बंद करेंगे, उसके बाद इस सप्लाई को यहाँ से निकाल देंगे हम। अभी ये देखो इंडोर है, रात हो गया है ना, इसकी वजह से मैं वीडियो पूरा शूट नहीं कर पाया, लेकिन इसमें बस कुछ नहीं करना है। ये जो वायर होता है आउटडोर से जा रहा है, एक आउटडोर यहाँ से इंडोर से जाता है और एक आउटडोर में फिर वापस आता है। ये इसकी सप्लाई मैं बाद में समझाऊँगा कि कैसे इसकी सप्लाई होती है। तो इसको निकाल दिया और ये हमारा जो फ्लेयर है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये फ्लेयर इसको हमने खोल दिया। ये हमारा सक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है लिक्विड लाइन जो कि आउटडोर से आता है ये और पूरे इंडोर में कूलिंग कॉइल में घूम करके फिर इस सक्शन लाइन के रास्ते से वापस चला जाता है गैस। ये जा रहा है देखिए आउटडोर में जा रहा है ये, यहाँ से ए लाइन, ये आउटडोर से वायर भी ये आउटडोर में जा रहा है। मेन वायर ये जो है ना इंडोर में मेन सप्लाई देते हैं और इंडोर से आउटडोर के लिए फिर जाता है कंप्रेसर के लिए। और फिर इसकी सप्लाई में अलग से समझाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। ये देखिए मेन सप्लाई एमसीबी से आ रहा है, इसको निकाल करके हमने टेप मार दिया, एक होल दिया बस, इसको बस इंडोर को अभी यहाँ से निकाल लेना है, बस इतना सा प्रोसेस होता है अनइंस्टॉल करने में। इंस्टॉल करने में भी सेम प्रोसेस है, लगाना है इसे नट को, यहाँ से फ्लेयर टाइट करना है, डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों।
उसके बाद फिर वापस से लगा देना है, ये मेन सप्लाई दे देना है इसमें इसमें, और फिर ये आउटडोर का ये कम्युनिकेशन वायर इसको जोड़ देना है, बस हो गया काम। इसका सप्लाई ना पहले आउटडोर में जाता है, ये मेन सप्लाई है, पहले इंडोर में आया, इंडोर स्टार्ट हुआ, इंडोर से आउटडोर में जाता है, आउटडोर स्टार्ट हुआ, फिर आउटडोर से हो करके फिर कंप्रेसर रन वर करवाने के लिए ये इंडोर में आता है सप्लाई, ये होता है पूरा प्रोसेस। अभी रात तो मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जब लाइक करते हैं ना तो हमारा भी, मैं भी मोटिवेट होता हूँ वीडियो और भी ज़्यादा बनाने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहें। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को एक बार सिर्फ सब्सक्राइब करना है, अगर रेड बटन है सब्सक्राइब पे तो उस पर क्लिक कर देना है, ब्राउन हो जाएगा। अगर ब्राउन पहले से है यानी सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो दोबारा वहाँ पर क्लिक नहीं करना है, और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले मिल पाए। तो ये दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।